फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे आई विल टीच यू अबाउट इकोलॉजिकल थ्योरी व्हिच इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैम इकोलॉजिकल थ्योरी पे वीडियो बनाई जाए तो इस वजह से मैंने सोचा कि इकोलॉजिकल थ्यूरी पर भी वीडियो होनी चाहिए अराउजल थ्यूरी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस थ्यूरी एडेप्टेस लेवल थ्यूरी ट्यूमुलस लोड थ्यूरी इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दी हैं एक इकोलॉजिकल थ्योरी थी जिस पे मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना सकी थी तो आज हम इकोलॉजिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि ये है क्या किसने दी है सो so, स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो जो इकोलॉजिकल थ्योरी है ये रॉजर बार्कर ने 1947 में प्रेजेंट की थी इंट्रोड्यूस की थी इसका हम मेन आइडिया अगर देखें तो इस थ्योरी का मेन आइडिया जो रॉजर बार्कर ने दिया था उसमें इन्होंने एक पॉइंट कहा था एन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट फिट इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ तो आपको ये समझ आएगा जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जॉब वैकेंसी आती है डॉक्टर की तो अब इस जॉब वैकेंसी पे सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डॉक्टोरेट की डिग्रीज़ मौजूद हैं मीन्स एम बी बी एस बी डी एस की डिग्रीज़ मौजूद हैं या उन्होंने उस फील्ड में स्टडी किया हुआ है या उनका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो उस फील्ड में है तो वही लोग जो हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उस इंडिविजुअल का जो क्वालिफिकेशन है वो उस जॉब के लिए फिट है जैसे अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर यही जॉब है डॉक्टर की जॉब है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई सिविल इंजीनियर वो अप्लाई कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो इंजीनियर है और जो जॉब वैकेंसी है उसमें डिफरेंस है जो जॉब वैकेंसी है वो डॉक्टर की है और जो एप्लीकेंट है वो एक इंजीनियर है तो वो उस क्राइटेरिया की जो जॉब रिक्वायरमेंट है या जॉब का जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा वो एप्लीकेंट तो वो इस जॉब के लिए सुइटेबल नहीं है इस जॉब के लिए वो एप्लीकेंट उसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो उस जॉब के लिए नहीं है उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या उसका जो बीएस है वो इंजीनियरिंग में है और जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो एमबीबीएस की है डॉक्टर की है ठीक है तो इसको हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे एक परफेक्ट फ़िट नहीं बन रहा लेकिन अगर जो एप्लीकेंट है उसके पास एम की डिग्री है और जो जॉब वैकेंसी है वो डॉक्टर की है तो ये एक परफेक्ट फ़िट बन रहा है बिटवीन द एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एंड द जॉब वैकेंसी तो यहाँ पे रॉजर बार्कर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है जो आइडिया दिया है एन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट फ़िट वो भी कुछ ऐसा ही है रॉजर बार्कर कहते थे कि हमारा इन्वामेंट जो है वो किस तरह बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट कैसे जो है वो बिहेवियर को अफेक्ट करता है तो इस वजह से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट फ़िट का ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर हम कहें कि जो पानी वाला इन्वामेंट है फॉर सपोज पानी में कौन होता है मछली होती है तो पानी और मछली का एक परफेक्ट फ़िट है इसी तरह अगर हम कहें के जंगल और जानवर तो ये भी एक परफेक्ट फिट है और अगर हम कहते हैं शहर तो उसके साथ हम कहेंगे लोग तो ये भी एक परफेक्ट फ़िट है दिस इज़ एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट फिट अब इसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया है कुछ टर्म्स को यूज़ करते हुए हम इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया है बिहेवियर सेटिंग बिहेवियर सेटिंग क्या है इन्वायरमेंट्स आर डिज़ाइंड और ग्रो टू अकोमोडेट सर्टेन बिहेवियर्स मीन्स ये कि रॉजर बालकर कहते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि उस इन्वायरमेंट में उस इंडिविजुअल का या उस ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर होगा जैसा कि एग्जांपल दी गई है आ स्कूल प्ले एक स्कूल का प्ले है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं ठीक है अब ये जो प्ले है ये एक इन्वायरमेंट है ठीक है और इस इन्वायरमेंट में हमें पता है कि क्या बिहेवियर होता है कि इस इन्वायरमेंट में इस प्लेग्राउंड में बच्चे जो है वो खेलेंगे ये इन्वामेंट जो है वो खेलने के लिए बनाया गया है इसी तरह आ चर्च आ मॉस्क शॉपिंग मॉल क्लास प्रिजन शॉपिंग मॉल हमें पता है कि वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गए हैं वो ठीक है तो वहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वहाँ पे वो एज़ अ कस्टमर जो है वो बिहेव करेंगे विंडो शॉपिंग करेंगे या कोई चीज़ लेंगे एक्सेट्रा इसके अलावा अगर हम क्लासरूम की बात करें तो वो भी एक ऐसा इन्वामेंट है जहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर क्लास में क्या होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो लर्निंग कर रहे होते हैं इसी तरह प्रिजन जेल जहाँ पर वो लोग होते हैं जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए होते हैं तो ये कुछ इन्वायरमेंट्स की एग्जाम्पल है मीन्स हम ऐसे इन्वायरमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम ये प्रडिक्ट कर सकें कि उस इन्वायरमेंट में जो लोग होंगे उनका बिहेवियर क्या होगा इसको कहा जाता है बिहेवियर सेटिंग इसके बाद रॉजर बार्कंड ने स्टैंडिंग पैटर्न की बात की है द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द ग्रुप रैदर दैन जस्ट इंडिविजुअल बिहेवियर स्टैंडिंग पैटर्न हम कहते हैं कि वो जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें जो एक कलेक्टिव बिहेवियर हो रहा है उसमें सिर्फ एक बंदा मौजूद नहीं है जैसे अगर हम बात करें कि हमने क्लास के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम क्लास का नाम लेते हैं तो उस क्लास में कोई एक स्टूडेंट नहीं होगा क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन तमाम बच्चों का एक ही बिहेवियर है एक कलेक्टिव बिहेवियर है उस पूरे ग्रुप का वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उस क्लास रूम के अंदर वो तमाम या तो लेक्चर सुन रहे होंगे या फिर कोई टेस्ट कर रहे होंगे या फिर वो सारे जो हैं वो बैठे हुए होंगे और नोट्स बना रहे होंगे तो ये एक स्टैंडिंग पैटर्न है स्टैंडिंग पैटर्न मतलब कि एक कलेक्टिव बिहेवियर एक ग्रुप का ओवरऑल और एक कलेक्टिव बिहेवियर यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात नहीं होगी स्टैंडिंग पैटर्न का मतलब है कि कलेक्टिव बिहेवियर कि उस पूरे इन्वामेंट के अंदर जो एक बिहेवियर है जैसे अगर मैं शॉपिंग मॉल का नाम लेती हूँ तो आपको पता है कि शॉपिंग मॉल में एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि जहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो क्यों जाते हैं वहाँ पर शॉपिंग के लिए जाएंगे अगर मैं मॉस्क का नाम लेती हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे जितने भी लोग होंगे उस अनवामेंट के अंदर वो तमाम इबादत करने के लिए गए हैं इसी तरह अगर प्ले का नाम लेती हूँ मैं तो आपको पता है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो भी कोई होगा वो वहाँ पर खेलने के पर्पज़ के लिए गया है या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए गया है इसके बाद है फिज़िकल मिल्यू फिज़िकल मिल्यू भी स्टैंडिंग पैटर्न से रिलेटेड है फिज़िकल मिल्यू से मुराद यहाँ पे ये यह है कि उस इन्वायरमेंट को बनाने में जो आइटम्स जो ऑब्जेक्ट्स हेल्प करती हैं उस बिहेवियर पैटर्न को क्रिएट करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल मीडियम जैसे क्लासरूम की बात करें तो उसमें फ़िज़िकल मीडियम क्या है वहाँ पे चेयर्स मौजूद हैं बोर्ड मौजूद हैं मार्कर मौजूद है प्रोजेक्टर है डेस्क है चॉक्स मौजूद हैं बुक्स मौजूद होंगी तो ये तमाम क्या है ये फ़िज़िकल मिल्यू हैं इसी तरह प्लेग्राउंड की लें तो वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे स्लाइड्स मौजूद होंगी वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के झूले मौजूद होंगे सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ़िज़िकल मिलियो अब जो हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हैं बिहेवियर सेटिंग स्टैंडिंग पैटर्न एंड फ़िज़िकल मिलियो इन तीनों को अगर अब हम ज्वाइन करके देखते हैं इस पूरी थ्योरी को तो आपको ये ईज़ीली समझ आ जाएगी बिहेवियर सेटिंग हमने किसको कहा है कि वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एक सर्टेन बिहेवियर परफॉर्म हो सकता है उसके बाद हमने बात की है स्टैंडिंग पैटर्न की स्टैंडिंग पैटर्न कहा गया है कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप फिर हमने बात की है फिज़िकल मिलियो की जिसमें आपकी वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं जो कि उस बिहेवियर पैटर्न को क्रिएट करने में हेल्प कर रही होती हैं तो एक क्लासरूम है जहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे टीचर मौजूद है लेक्चर हो रहा है टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं वहाँ पे वो फिज़िकल मिलियो भी मौजूद है चेयर्स पे बैठे हुए हैं टीचर प्रोजेक्टर को यूज़ करके लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं अपने इसके अलावा टेस्ट हो रहे हैं असेसमेंट हो रही है बच्चों की तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह जो इन्वामेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है बिहेवियर को कैसे एक इन्वायरमेंट में लोगों का बिहेवियर कुछ होता है और दूसरे इन्वामेंट में लोगों का बिहेवियर कुछ है किस तरह हम इन्वायरमेंट को चेंज करके इंडिविजुअल्स के जो बिहेवियर हैं उनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंट ये है तो उसमें लोगों का ये बिहेवियर होगा अगर इन्वायमेंट ये वाला है तो वहाँ पे लोग जो हैं वो इस तरह बिहेव करेंगे तो रॉजर बार्कर अपनी इस में यही बात करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को चेंज करके लोगों के बिहेवियर को प्रडिक्ट कर सकते हैं इसके बाद इस थ्योरी के अंदर दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसपे रॉजर बार्कर ने बात की है उसमें है अंडर मैनिंग जिसको हम अंडर स्टाफिंग भी कहते हैं और दूसरा है ओवर मैनिंग जिसको हम ओवर स्टाफिंग भी कहते हैं तो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हैं क्या सबसे पहले है ओवर मैनिंग और ओवर स्टाफिंग दूसरा है अंडर मेनिंग और अंडर स्टाफिंग ओवर मैनिंग और ओवर स्टाफिंग में क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो क्वांटिटी में और रिसोर्स कम हो और अंडर मैनिंग और अंडर स्टाफिंग एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल्स कम होते हैं और रिसोर्स ज़्यादा होती हैं इसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि एक स्कूल की एक स्कूल है जहाँ पर सिर्फ दो क्लासेस हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और टीचर्स भी सिर्फ दो ही हैं लेकिन स्टूडेंट्स उन दो क्लासेस के अंदर पूरे नहीं आ रहे उनके लिए एक और क्लास का होना ज़रूरी है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स मीन स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और रिसोर्स कम हैं जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स आ तो रहे हैं लेकिन उनका वहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है उनको कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे रिसोर्स कम हैं और इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं तो इसको कहा जाएगा ओवरमैनिंग और ओवर स्टाफिंग सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है अंडर और अंडर स्टाफिंग ये बिल्कुल उसका अपोजिट है कि एक स्कूल है जहाँ पे क्लासेस बहुत सारी हैं टीचर्स भी बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है और रिसोर्स ज़्यादा हैं इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे अंडर और अंडर स्टाफिंग तो ये वो दो कॉन्सेप्ट है जो कि रॉजर बार्कर ने अपनी इकोलॉजिकल थ्योरी में इंट्रोड्यूस करवाए थे सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल थ्योरी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़